अयूब 20वां बाब। तब जोफर नामाती ने जवाब दिया, इसीलिए मेरे ख्याल मुझे जवाब सिखाते हैं उस जल्दबाजी की वजह से जो मुझ में है। मैंने वो झिड़की सुन ली जो मुझे शर्मिंदा करती है, और मेरी अकल की रूह मुझे जवाब देती है। क्या तू कदीम जमाना की ये बात नहीं जानता, जब से इंसान जमीन पर बसाया गया, कि शरीरों की फतह चंद रोजा है और बेदीनों की खुशी दम भर की है। खा उसका जाहो जलाल आसमान तक बुलंद हो जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे, तो भी वो अपने ही फुजला की तरह हमेशा के लिए फना हो जाएगा। जिन्होंने उसे देखा है कहेंगे, वो कहाँ है? वो ख्वाब की तरह उड़ जाएगा और फिर न मिलेगा, बल्कि वो रात की रोया की तरह दूर कर दिया जाएगा। जिस आंख ने उसे देखा वो उसे फिर न देखेगी, न उसका मकान उसे फिर कभी दिखेगा। उसकी औलाद गरीबों की खुशामद करेगी और उसी के हाथ उसकी दौलत को वापस देंगे। उसकी हड्डियां उसकी जवानी से पुर हैं, पर वो उसके साथ खाक में मिल जाएगी। खा शरारत उसको मीठी लगे, खा वो उसे अपनी जुबान के नीचे छिपाए, खा वो उसे बचा रखे और ना छोड़े, बल्कि उसे अपने मुंह के अंदर दबा रखे, तो भी उसका खाना उसकी अंतड़ियों में बदल गया है। वो उसके अंदर इफ्री का जहर है। वो दौलत को निगल गया है, पर वो उसे फिर उगलेगा। खुदा उसे उसके पेट से बाहर निकाल देगा। वो इफ्री का जहर चूसेगा, इफ्री की जुबान उसे मार डालेगी। वो दरियाओं को देखने ना पाएगा, यानी शहद और मक्खन की बहती नदियों को। जिस चीज के लिए उसने मुशक्कत खींची उसे वो वापस करेगा और निगलेगा नहीं। जो माल उसने जमा किया उसके मुताबिक वो खुशी ना करेगा, क्योंकि उसने गरीबों पर जुल्म किया और उन्हें तर्क कर दिया। उसने जबरदस्ती घर छीना, पर वो उसे बनाने ना पाएगा, इस सबब से कि वो अपने बातन में असूदगी से वाकिफ ना हुआ। वो अपनी दिल पसंद चीजों में से कुछ नहीं बचाएगा, कोई चीज ऐसी बाकी ना रही जिसको उसने निगला ना हो। इसलिए उसकी इकबाल मंदी कायम ना रहेगी, अपनी कमाल असूदा हाली में भी वो तंगी में होगा। हर दुखियारे का हाथ उस पर पड़ेगा, जब वो अपना पेट भरने पर होगा तो खुदा अपना कहरे शदीद उस पर नाजल करेगा, और जब वो खाता होगा तब ये उस पर बरसेगा। वो लोहे के हथियार से भागेगा, लेकिन पीतल की कमान उसे छेद डालेगी। वो तीर निकालेगा और वो उसके जिस्म से बाहर आएगा, उसकी चमकती नोक उसके पित्ते से निकलेगी। दहशत उस पर छाई हुई है, सारी तारीकी उसके खजानों के लिए रखी हुई है। वो आग जो किसी इंसान की सुलगाई हुई नहीं उसे खा जाएगी। वो उसे जो उसके डेरे में बचा हुआ होगा भस्म कर देगी। आसमान उसकी बदी को जाहिर कर देगा और जमीन उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी, खुदा के गजब के दिन उसका माल जाता रहेगा। खुदा की तरफ से शरीर आदमी का हिस्सा और उसके लिए खुदा की मुकरर की हुई मेरास यही है।